हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है T20 स्टडी में और मैं भोला कुमार। दोस्तों, आज से बुक को सामने रख कर जो है क्वेश्चन सामने में रहेगा दोस्तों, और मैं बनाऊंगा कॉपी में, क्योंकि बोर्ड पर आते थे अच्छा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन लिखना पड़ता था दोस्तों, बहुत टाइम लग जाता था और मेरे पास इतना टेक्निक अभी है नहीं जो कि हम स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन ला सके। आने वाला मैं आशा करता हूँ जरूर ऐसा होगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल जो है जब तक अभी रेलवे का नजदीक एग्जाम है, इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन को जो सामने रखकर जो है क्वेश्चन लिखना ना पड़े और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो, ज्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन लिखने में, इसलिए मैंने दोस्तों सामने आज से बुक को रख कर जो है सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। और मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में 41 नंबर तक जो है 41 नंबर क्वेश्चन बता चुके थे दोस्तों, आज से 42 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 से बोर्ड ऑफ 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक घड़ी की MRP 4750 रुपये है तथा उसका बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसमें पहला देखिए दोस्तों, इसमें क्रय मूल्य मेरा दे दिया, खरीदा कितना 3850 रुपये में, और हमको निकालना क्या दोस्तों, सिर्फ विक्रय मूल्य। तो पता चल जाएगा ना, क्रय मूल्य पता रहेगा, विक्रय मूल्य पता रहेगा तो पता चल जाएगा लाभ हुआ कि हानि हुआ दोस्तों। चलिए तो इसमें पता चलेगा हमको 4750 रुपये को हमको 12% की छूट, मतलब कितना दोस्तों 88/100 है। जो करेंगे दोस्तों मेरा क्या निकल जाएगा, ये मेरा निकल जाएगा SP यानी कि सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दोस्तों। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, एक समय खत्म हो गया दोस्तों, उसके बाद काटेंगे अगर 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45 दोस्तों, उसके बाद यहाँ बच गया 2 × 5 = 25, उसको काट देंगे 4 × 4 दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों मेरा 95 × 44 को अगर करेंगे दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 41.80। ये मेरा निकल गया SP, क्या निकल गया दोस्तों SP निकल गया, और मेरा दिया गया है क्या दोस्तों, मेरा दिया गया है CP कॉस्ट प्राइस मेरा दिया गया है दोस्तों 3850। तो पता चल गया दोस्तों मेरा कॉस्ट प्राइस, मेरा क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो बोल रहा है कि उसे लाभ कितना होगा, तो घटा देंगे सिंपली दोस्तों 4180 − 3850 में घटा देंगे, जो निकलेगा मेरा वही लाभ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा देख रहे हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो मेरा लाभ ऑब्वियसली जो है लाभ ही होगा। तो 0 × 8 = 5 = 3 हो गया दोस्तों, 11 × 8 = बच गया कितना दोस्तों 3 हो गया, और यहाँ 4 में 1 = 1, 330 रुपया मेरा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया दोस्तों प्रॉफिट हो गया दोस्तों, मेरा लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरा ये जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 बोला दोस्तों, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का मान 17.5 है, जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया मान कितना होगा दोस्तों। तो बस सिंपली दोस्तों 4 विभिन्न यानी कि 4 प्रश्नों का औसत मेरा कितना दिया दोस्तों 17.5। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम पहले गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4×5 = 20 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद 7 × 8 = 28 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा दोस्तों, और 4×1 = 4 × 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 1 पॉइंट के बाद दे देंगे यानी कि 70 मेरा 4 प्रश्नों का औसत है। बाद में बोलता है कि दोस्तों कि नए प्रेक्षण, एक नए प्रेक्षण जुड़ देता है जिसका मान कितना है 20, यानी कि पहले तो 70 था दोस्तों, अब एक नया जुड़ गया 20, तो टोटल मेरा कितना हो गया 90 हो गया दोस्तों। अब पहले 4 प्रेक्षण था और एक नया जुड़ गया, टोटल कितना हो गया दोस्तों 5, तो इसको 5 का हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा दोस्तों 5×5 बच गया 4×8 = 40, 8×5 = 90, यानी कि मेरा दोस्तों सिंपली से पता चल गया ए नंबर ऑप्शन। ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है बनाने दोस्तों, बोर्ड से अच्छा, और आप वो क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। यानी कि दोस्तों
क्षेत्रफल मेरा दे दिया है 24/3। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर दोस्तों। तो इसका बराबर मेरा कितना दे दिया दोस्तों 24√3। कितना दे दिया दोस्तों 24√3। इसको सिंपली सा सॉल्व करेंगे तो मेरा पता चल जाएगा एक भुजा का। चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, √3 खत्म हो गया तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 × 4। अब ए को अगर स्क्वायर को हम हटाएंगे दोस्तों मेरा कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा ना, थोड़ा प्रोसेस ही जाते हैं ताकि और समझ में आ जाए। चार का रूट मेरा अगर तोड़ेंगे, चलिए बीच में ही तोड़ देते हैं इसको, ठीक है। 24 को क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों, 6 × 4 और गुना है तो 4 है, ऑब्वियसली पता चल गया 2 × 4 है तो 1 × 4 तो पहले आप बाहर आ गया क्योंकि रूट वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। अब 6 का तो वर्गमूल टूटेगा नहीं दोस्तों, तो इसका रूट में ही रह देंगे, यानी कि a बराबर मेरा पता चल गया दोस्तों 4√6, ठीक है दोस्तों। अब भुजा पता चल गया तो बोल रहा कि सिंपली सी, तो उसका परिमाप, तो संभावित त्रिभुज का परिमाप होता है दोस्तों सिंपली सा क्वेश्चन, तो इसको कह देंगे संभाव, यानी कि त्रिभुज होता है ना दोस्तों, सम त्रिभुज परिमाप मतलब हो जाएगा तीनों कोना का योग। परिमाप होता है दोस्तों जितने भी है उसका तीनों कोना का योग होता है दोस्तों, यानी कि एगो का मान इतना मेरा आ गया दोस्तों तो तीनों का कितना हो जाएगा √6। सिंपली इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तीन गुना, तीन बार तो है ना, तो तीन बार गुना कर देंगे ना 4√6, तो बराबर 4 × 12√6 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। आपको मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों कि समझ में आता होगा, तो ऑप्शन नंबर 12√6 कहाँ है दोस्तों, डी नंबर में ऑप्शन, ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा है मैं आशा करता हूँ। बोर्ड से तो अच्छा फिलहाल इसमें लग रहा है, सेट बनाने में दोस्तों इसी में अच्छा है, कोई प्रोसेस अगर हम बताएंगे या फिर कोई चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे तो बोर्ड पर कैमरा के सामने जरूर आएंगे दोस्तों। हाँ बीच बीच में आते रहेंगे, कोई टॉपिक अच्छा हुआ तो बोर्ड में जरूर बताएंगे, लेकिन जितने भी सेट पढ़ाएंगे दोस्तों उसको बुक से ही इसी तरह पढ़ाएंगे जिस तरह पढ़ा रहे हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ इस तरह भी अच्छा लगता होगा आपको दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 45 नंबर बोल रहा है दोस्तों कि कोई यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। दोनों ओर से दोस्तों, दोनों ओर से 14वें स्थान, यानी कि दोनों ओर से, दोनों ओर से अगर हम गिनेंगे इधरों से और इधरों से तो कहीं ना कहीं दुआ तो गिना ही जाएगा दोस्तों ना, इधर से लगेंगे तो इधर भी एक बार तो डबल, अगर इधर से लेंगे तो ये भी एक बार डबल हो जाएगा, यानी कि एक कम अपने मन से कर नहीं, अगर समझ में आए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में 14 × 2 करके, यानी दुआ राजा आ रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि कोई भी किसी पंक्ति को दोनों ओर से, यानी कि इधर से व इधर से, यानी कि 14 × 2 = 28, कहीं ना कहीं तो एक बार दबला होकर गिना बन दोस्तों, इसलिए एक माइनस कम करेंगे हर समय डिस्टर्ब क्वेश्चन में तो मेरा आ जाएगा 27 आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बोला कि 90 मीटर लंबे ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई का पता लगाएं। तो दोस्तों पोल की लंबाई बोलेंगे, पोल को लंबाई मान लेंगे x, क्या मान लेंगे दोस्तों x, तो पोल जब भी दोस्तों, पोल तो सिंपल अकेला पार करेगा नहीं, एक साथ पार कौन करेगा दोस्तों, ट्रेन, तो ट्रेन और पोल दोनों का चाल जो है जुट जाएगा दोस्तों, तो ट्रेन मेरा कितना है 90 मीटर, ठीक है, कितना सेकंड में पार करता है दोस्तों 15 सेकंड में, और मेरा यहाँ कितना दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको डिवाइड बराबर में करेंगे, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए तो अगर कुछ नहीं जानते तो एक कर दीजिए और गुना कर दीजिए x + 90 = 15 का दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों 225, ठीक है दोस्तों, तो एक्स बराबर मेरा 225, इसको बराबर को उधर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 90 दोस्तों, अगर हम इसको 90 में घटा देंगे कितना मेरा आ जाएगा x बराबर 5 में 0 हो गया दोस्तों, और यहाँ बच गया 9, 12 में 9 हो गया 3, कितना हो गया दोस्तों 3, यानी कि 10 की लंबाई तो 135 मीटर, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी कि 225 में 90 घटा देंगे 135। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि दोस्तों
एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में चलता है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे चलता है, तो चालाक दूरी मेरा कितना, 4 × 3 = 12 किलोमीटर वो चला दोस्तों। 3 घंटे में कितने चला, 12 किलोमीटर। और समान दूरी पर वापस जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आता है, यानी कि समान दूरी यानी कि 12 किलोमीटर ही दूरी जो है दोस्तों कितना आता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो बोल रहा है कि उसके द्वारा लिया गया समय, समय दूरी बटे चाल दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिनट में दिया है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे दोस्तों, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए 4 × 16 = 12, उसके बाद कट जाएगा ये 4 × 4 = 4, 5 = 20, 15 + 45 मिनट दोस्तों उसका जो है समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, 48 ठीक है, बोल रहा कि यदि एक संख्या 2/3 × 1/4, मान लो कि एक संख्या x या उसका बोल रहा है 2/3 × 1/4 = मेरा कितना है दोस्तों, 100 है, तो संख्या ज्ञात करें तो बस सिंपली इसको आंसर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसको काटेंगे 50 में, अब बराबर में कोना कोनी गुना होता तो कटेगा नहीं सीधा में दोस्तों, तो बराबर में कोना कोनी गुना होता, 4 × 12 = 5 = 60, अब 1 0 मेरा कितना हो गया दोस्तों, 600। वह संख्या क्या है दोस्तों, 600। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, अगर यहाँ दिखता नहीं होगा दोस्तों तो हम यहाँ क्वेश्चन लिख भी दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों बोल रहा कि sin θ = √3/2 हो तो tan θ का मान ज्ञात करें, तो दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा, tan θ यानी कि sin θ = √3/2 दिया है, यानी कि √3/2 बराबर होता क्या दोस्तों, साइन 60 °√3/2 बोल सकते हैं दोस्तों, यानी कि sin θ = इसको जो है sin 60 °θ की जगह पर 60 °, यानी कि sin 60 °√3/2 होता कि नहीं दोस्तों, तो सिंपल सा, तो इसको हम निकाल देंगे साइन से खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो θ = मेरा क्या जाएगा, 60 °, क्या जाएगा दोस्तों, 60 °। तो अब पता चल गया ना θ के मान 60 °, बैठा दें तो tan θ, तो tan θ = मेरा क्या जाएगा दोस्तों, पता चल रहा है कि θ के मान 60 °, तो 60 °, का tan 60 °, का मान मेरा कितना जाएगा दोस्तों, tan 60 °, के मान होता है √3, बस सिंपली कुछ करना है दोस्तों, tan 60 °, का मान √3, आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, बोला कि दोस्तों यदि एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो बोला कि दोस्तों बस कितने रुपए बेचे, सिंपल से एक बार क्वेश्चन इससे बता दिखे चुके थे दोस्तों, जितने भी मेरा है रुपया 3735, बस जिस सही क्वेश्चन में दोस्तों प्रोसेस तो बताना है दोस्तों, लेकिन फिलहाल अभी कैसे जल्दी बने थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा तो तुरंत बनेगा दोस्तों। तो 10% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो, तो इस सभी क्वेश्चन में सिंपल परसेंटेज जो है ऊपर लिखेंगे दोस्तों, यानी कि 10% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% का लाभ मतलब 110, और 10% की हानि तो ऊपर वाला जो है नीचे लिख देंगे, सिंपल सा दोस्तों मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरा दोस्तों आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 1 से 9 खत्म हो जाएगा दोस्तों, अगर 9 से काटते हैं तो 9 हो जाएगा कितना दोस्तों, 9 × 18 = 17, 9 × 4 = 36 हो जाएगा दोस्तों, हाथ में बचा है 1, उसके बाद हो जाएगा 9 × 1 = 9, तो यहाँ कितना 9 × 4 = 13, 4 × 9 = 45 दोस्तों, अब तो नहीं कटेगा, अब इसको 11 से गुना कर देंगे, 11 × 415 को 13 × 5 = 55 दोस्तों, हाथ में बच गया 5, 11 × 11 = 5 कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया, हाथ में बचा 1, 11 × 11 = 44, 44 × 1 = 45, यानी कि 4565 रुपया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा मायने में रखिए फटाफट बनेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं दोस्तों, अगर हाँ दोस्तों थोड़ा सा इस वीडियो से आपको प्रॉफिट हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, जो नए जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जो अभी अपलोड करें। अगर अच्छा लगा हो इस टाइप को
यानी कि कॉपी में उतारते हुए बोर्ड से अच्छा, तो दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा इससे, तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। हाँ, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों, ताकि और आने वाला एग्जाम दोस्तों को उसको हेल्पफुल हो सके, क्योंकि नज़दीक एग्जाम है रेलवे का, थोड़ा उसको भी प्रॉफिट मिल जाए अगर कहीं दिक्कत हो। चलिए दोस्तों, इतने कहना चाहूँगा, धन्यवाद।